नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अपनी खराब फॉर्म से लगातार जूझ रहे हैं, यही वजह है कि T20 से उन्हें बाहर कर दिया है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हो गया है और ये खुलासा किया है भारत के मास्टर ब्लास्टर सुनील गावस्कर ने। गावस्कर ने कहा कि युवाओं को मौका देने के लिए धोनी ने T20 टीम से अपना नाम वापस ले लिया है। चयनकर्ताओं ने धोनी को विंडीज के खिलाफ चल रही T20 सीरीज और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर रखने का निर्णय लिया था। चयनकर्ताओं के इस फैसले से धोनी के फैंस में खासी नाराजगी दिखी, लेकिन बाद में खुद कप्तान विराट कोहली ने साफ कर दिया कि धोनी ने युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत को ज्यादा मौका देने के लिए ये निर्णय लिया है। एक इंटरव्यू में गावस्कर ने कहा कि धोनी को अब टीम से बाहर होने पर क्या करना चाहिए। गावस्कर ने कहा कि धोनी को ने जो निर्णय लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि वो जानते हैं कि 2020 T20 विश्व कप होना है और उसमें वो शामिल नहीं होंगे। ऐसे में धोनी ने जिस तरीके से पहले ही T20 सीरीज से बाहर होने का फैसला किया है वो अपने आप में चौंकाता जरूर है। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।